हेलो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट अपनी वर्कशीट है 9 कक्षा 3 पहल अंग्रेजी कार्य पुस्तिका की। इसमें देखो अभी कॉम्पिटेंसी है रिकॉग्नाइज स्मॉल लेटर्स, आपको स्मॉल लेटर हैं उनको पहचानना है। रिकॉग्नाइज एंड अंडरलाइन द गिवन लेटर इन द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर स्मॉल लेटर दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, इन वर्ड के अंदर क्या है अभी ये जो लेटर है उसको आपको क्या करना है अभी अंडरलाइन करना है। जैसे ये क्या है अभी एल, ये स्मॉल एल है, कैपिटल एल आपको पता ही है ये होता है। अब यहाँ पर जो ग्लो, ग्लो के नीचे आप एल के नीचे क्या करोगे भी अंडरलाइन करोगे, फॉल, फॉल में क्या करोगे भी डबल एल के नीचे लाइन करोगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है अभी लॉक, लॉक में एल के नीचे आप अंडरलाइन करोगे, फ्लॉक, फ्लॉक में आप एल के नीचे अंडरलाइन कराओगे। इसी प्रकार नेक्स्ट अपना है एन, पिन, पिन में देखो भी एन जो लेटर है उस पर आपको क्या करना है अभी अंडरलाइन करना है। नोज में एन ये रहा, ये लेटर देखना है आपको। इंग्लिश में देखो भी ये रहा एन, मिसिंग में ये रहा। उसी प्रकार विंडो में देखो भी ये एन रहा, वॉल में एन है ही नहीं, हेलो में एन नहीं है, ग्रो में एन नहीं है, तो आप यहाँ पर कोई अंडरलाइन नहीं करोगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको मैथ की हिंदी की संपूर्ण वर्कशीट का हल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाएगा। अगला लेटर है वाई, वाई में प्योरली में क्या देखो अभी वाई ये रहा, वॉल इसमें 90 में वाई देखो वाई ये रहा, योक, योक में क्या है अभी ये रहा, और याट ये रहा। नेक्स्ट देखिए अभी कोट में आपको क्या करना है अभी ओ पर क्लिक करना है, ओ के अंडरलाइन करना है, यहां पर करोगे। रोड में, रेडियो में, ऑरेंज में, सेप, सेप में ई देखो भी ई कहां पर है, ई ये रहा, राइट में ई ये रहा, हेवी में ई ये रहा, और पियर, पियर में दो ई हैं तो डबल आप अंडरलाइन कर देंगे। डी पर देखो भी राउंड, ग्राउंड, रेड, ड्राइव। उसी प्रकार गर्ल में जी पर करना है आपको जी, गली, इग्लू, प्लेइंग। उसी प्रकार जे पर करना है जग में जे, जोग में जे, मेजर में जे और जज में जे। नेक्स्ट देखिए सॉफ्ट में, यहाँ पर टी पर अंडरलाइन करना है, सॉफ्ट में टी ये रहा, टोमेटो में दो टी हैं तो आप दो टी पर अंडरलाइन करेंगे। ये गए टाइगर में ये देखो, मस्ट में क्या टी का भी ये रहा। नेक्स्ट कार्यपत्र देखिए भी, अगला कार्यपत्र का अपना वर्कशीट है 10। इसमें कॉम्पिटेंसी यूजेस दिस और दैट अप्रोप्रिएटली, आप दिस और दैट का यूज सीख पाएंगे। दिस मान ये होता है यह है हिंदी में, और दैट मीन्स होता है वह। दिस जो नज़दीक की वस्तु होती है एक वचन उसके लिए प्रयोग होता है, और दैट होता है एक वचन संज्ञा जो दूर हो। कंप्लीट द सेंटेंसेज गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस और दैट, दिस और दिस दैट का प्रयोग करते हुए इनको आपको पूर्ण करना है। जैसे लड़का दूर खड़ा है आपसे, एक होना चाहिए, तो आप कहोगे दैट इज ए बॉय, वह एक लड़का है। अगर आपका हाथ दूर की तरफ जाता है, आपसे बच्चा को दूर खड़ा है, आप कहोगे दैट इज ए बॉय। अगर ये देखो कैट है वो आपके नज़दीक है, बॉय दूर है, कैट के नज़दीक है, तो नियर के लिए कहेगा भी दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, यह एक बिल्ली है। उसी प्रकार देखो भी यहाँ पर क्या दिया हुआ, अभी एक झोंपड़ी दिया हुआ है, इज ए हट, वह एक हट है या यह एक हट है, दूर है तो आप कहोगे वह, तो वह के लिए क्या यूज करोगे भी दैट इज ए हट, दैट इज ए हट, वह एक झोंपड़ी है। नेक्स्ट देखिए इज ए मंकी, ये मंकी क्या है भी, दिस इज ए मंकी या दैट इज ए मंकी, सिंगुलर होना चाहिए, अर्थात एक वचन होना चाहिए, एक ही वस्तु होनी चाहिए या जानवर या व्यक्ति। ये क्या है भी दूर है, तो आप यहां पर भी क्या यूज करोगे भी दैट का यूज करोगे, दैट इज ए मंकी, वह एक मंकी। अब कार क्या है अभी,
कार नजदीक है तो क्या कहोगे भी, दिस इज ए कार या दैट इज ए कार। दिस इज ए कार, यह एक कार है। ये क्या है भी, शिप इज ए शिप, यह एक शिप है, नजदीक है। तो आप क्या यूज करोगे भी, दिस इज ए शिप, यह एक शिप है। उसी प्रकार देखो भी, स्टूल, स्टूल आपके नियर नजदीक है या फार दूर है। नजदीक के लिए क्या यूज करते हैं भी, नियर, और दूर के लिए फार। ये दूर है तो आप कहोगे दैट इज अ स्टूल, दैट इज अ स्टूल, वह एक स्टूल है। अब यहाँ पर एक दीवार है, वो क्या है भी, वॉल। दीवार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल। ये नजदीक है दूर है, नजदीक है, तो क्या यूज करोगे भी, दिस, दिस इज ए वॉल, दैट इज अ स्टूल, दिस इज ए शिप, दिस इज ए कार। इस प्रकार आप वर्डों को यूज करोगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स।